खुशबू स्वाद घर सा मैं पूनम। मेरी आज की रेसिपी है खस्ता कुरकुरी खारी की टेस्ट जैसी सॉफ्ट गुजिया, लेयरदार गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसे बिना खोए के बिना सांचे के बना के तैयार किया है। आप इस दिवाली इस गुजिया को ज़रूर ट्राई करें बनाएं। मेरी तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए बनाना शुरू करती हूँ लच्छेदार गुजिया। गुजिए का आटा गूंद कर रेडी कर लेते हैं। 2 कप मैदा लेंगे, 1 कप, 2 कप, 2 कप मैदा लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल की जगह घी या ऑयल जो भी ले उसे गरम कर लें हल्का। इसे हम मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरीके से तेल और मैदे को मिक्स कर लिया है। बस ऐसे गोला बनने लगे तो हमारा गुजिया का रेडी है मैदा डो बनने के लिए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। आप पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही। 2 टेबल स्पून और हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 1/2 कप में भी 1/2 ही पानी ऐड हुआ है इसमें। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद गया है। टोटल इसमें 5 टेबल स्पून ही पानी लगा है और पानी बच गया है। पूरा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करके आप आटे को गूंदें। अब हम इस आटे को रख देंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। हम गुजिया की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन को गरम कर लिया है, 1 कप नारियल ऐड करेंगे। ये सूखा नारियल है, इसे कद्दूकस कर लिया था। इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट हो गया है, गैस को मीडियम करके हमने इसे 2 मिनट तक धीमी गैस पे से भून लिया है। नारियल का हमारा भून के रेडी हुआ है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। 1/2 कप मखाना लिया है मैंने, इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से हल्का भून लिया है। ये ठंडा हो गया है, अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। नारियल हमारा ठंडा हो गया है जो हमने भून के रखा था। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल रवा ऐड किया है, 2 टेबल स्पून रवा। इसे हमने पहले से भून के लिया था 2 मिनट तक अच्छी तरीके से। बस हमें रवे को 2 मिनट तक भूनना ही है। 1 टेबल स्पून खसखस, इसे भी हमने भून लिया था। बादाम 2 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून, मिश्री 2 टेबल स्पून, मिश्री को मैंने 2 भाग में कट कर लिया था। मिश्री को 2 भागों में कट कर लें। 2 पिंच इलायची पाउडर, 2 पिंच जायफर, जायफर का पाउडर, मखाने का पाउडर जो हमने पीसा था उसे भी ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून हमने पीसी शक्कर ऐड किया है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। गुजिया के स्टफिंग को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट ना भी ऐड करें, बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। नारियल का पाउडर, रवा और पीसी शक्कर से ही आप अच्छे से स्टफिंग तैयार कर सकते हैं गुजिया की। गुजिया में अच्छी लेयर है उसके लिए हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अरारोट, कॉर्नफ्लावर का आटा, 2 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का आटा ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, एक बैटर बना लेना है। पानी ऐड नहीं करना है, इसी से हमें ऐसे लगातार चलाते चलाते सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इसका पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसी से हमारे गुजिया में अच्छी लेयर आएगी। बस पेस्ट बन के रेडी हो गया है, इसे हम साइड कर देते हैं।
30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। माटी को निकाल के अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है, एकदम सॉफ्ट और चिकना होना चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे भाग कर लेते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं बराबर हिस्सों में। अभी हम बारी बारी एक एक लोई को बेल लेते हैं, जितना बड़ा हो सके, जितना पतला आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप बेल लें बड़ा। साइड साइड मोटा ना रहे, सभी तरफ बराबर रहे। इसी तरीके से हम सभी को बेल के रेडी कर लेते हैं। सभी को हमने बेल के रेडी कर लिया है। अभी हमने जो ये बना के पेस्ट रखा था घी और कॉर्नफ्लावर का, उसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसकी जगह अरारोट भी ऐड करके बना सकते हैं, सेम टू सेम। थोड़ा पेस्ट लगा के इसे हमें पूरी तरफ से फैला देना है। एक में हमने पूरी तरीके से लगा दिया है, अब हम दूसरी को भी बेला था जो, उसे भी इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर भी हमें लगा देना है। इस पर भी पूरी तरीके से लग गया है। अब हम तीसरी लेयर पे लगाएंगे कॉर्नफ्लावर के पेस्ट को। तीसरी लेयर भी हम इसी तरीके से सेम लगा देंगे। तीनों लेयर पे हमने पेस्ट लगा दिया था। अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से रोल करेंगे, रोल करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे, रोल करेंगे और प्रेस करेंगे। और इसे ऐसे रोल करते जाएं आप और बड़ा कर लें। इसे हल्का स्टिच करें। हम इसे बीच से कट कर देते हैं। और इसे कटिंग करेंगे 1 इंच के जितना, ऐसा इसी तरीके से सबको कट कर लेंगे। अब हम एक को लेंगे, सबको कटिंग कर लिया था, और इसे प्रेस करेंगे और बेल लेंगे। इसे हल्के हाथों से ही बेलें। हमने बेल के रेडी कर लिया है। अगर आप सांचे में बना रहे हैं तो आप सांचे के हिसाब से बेलें, बिना सांचे के बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से बेलें, उतना बड़ा या छोटा। अब हम स्टफिंग इसमें भरते हैं जो हमने गुजिया के लिए बना के रखी थी। 1 चम्मच स्टफिंग हम इसमें भरेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम साइड साइड लगाएंगे। और इस तरीके से इसे टर्न कर देंगे और हल्के से दबा देंगे इसे। हाथों पे लेकर के आप अच्छी तरीके से प्रेस करें, नहीं तो तलते समय खुल जाएगा और सारी स्टफिंग तेल में चली जाएगी। बिना सांचे के आप इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं काटे के चम्मच की सहायता से। वही हमारी गुजिया बन करके रेडी है। इसी तरीके से मैं सभी को बना के रेडी कर लेती हूँ। आपकी जितनी बड़ी लोई हो, जितनी बड़ी बनाए उसी हिसाब से आप स्टफिंग उसमें भरें। अगर आपने छोटी लोई बेली है तो आप कम ही ऐड करें,
स्टफिंग को, नहीं तो अच्छी तरीके से आपकी गुजिया पैक नहीं होगी और फिर वो फट सकती है। इसलिए जितनी बड़ी लोई हो उसी हिसाब से आप भरे स्टफिंग को और अच्छे से दबा दें। एक में आपको हाथ से ही करके बताती हूँ। ऐसा आप एक साइड कोना ले लें और इसे हल्के से फोल्ड करें, इसे दबा दें, फिर इसी को ऐसे फोल्ड करते जाएं, ऐसे टर्न करते जाएं उसे। ऐसे फोल्ड करते जाएं उस सभी को। और ये बनके रेडी है हमारी। इस तरीके से भी आप गुजिया का शेप दे सकते हैं बिना सांचे के। तेल को हमने गरम कर लिया है, मीडियम तेल जब गरम रहे तभी हम गुजिया को तलेंगे। सारी गुजिया हमने बना के रेडी करके रखी थी, अब हम इसे ऐड करेंगे। बहुत गरम तेल में आप गुजिया को ना तलें, गैस को मीडियम करके ही गुजिया तलें। सबको ऐड कर दें। गुजिया को एक मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें, एक मिनट बाद ही पलटें। एक मिनट हो गया है, अब हम इसे पलटते हैं। सभी को पलट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे आटे गुन के रेडी हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से गुजिया कितनी अच्छी तरीके से फूल गई हैं, लच्छेदार एकदम। देखिए इसके लच्छे लच्छे पता चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है गुजिया। मीडियम गैस स्लो पर ही आप इस गुजिया को तलें, नहीं तो गुजिया फटने का डर रहता है। सभी गुजियों को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से आप पलटें और अच्छे तरीके से दोनों तरफ से हल्का ब्राउन हो जाने दें। बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे तलना है, ज़्यादा इसे टच नहीं करना है, आराम आराम से इसे पलटना है। थोड़ा टाइम लगता है इस गुजिया को तलने में। गुजिया हमारी तल के रेडी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनहरा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। करारी खस्ता गुजिया हमारी बन के रेडी है, हम निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए कितनी खस्ता करारी हमारी गुजिया बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुई है। मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है। दिवाली के लिए मेरी गुजिया बन कर के रेडी है, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी, बिना खोए के, बिना मावे के, बिना साँचे के लच्छेदार खस्ता गुजिया बना के तैयार करें। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, खारी के जितना सॉफ्ट गुजिया इस दिवाली आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।